फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे एंड अब तक मेरे सारे वीडियोस आपको पसंद आए ही होंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। एंड चलिए आज के ब्लॉग से स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ क्योंकि जो सिस्टर है वो भी अपने जो किसी काम से गई हुई है एंड प्रमित भी सो गया है। तो मैं जल्दी से नहाए आई थी कि जब तक फ्री हो जाती हूँ इसके सो के उठने से पहले, उनसे शैतानियाँ देता है। एंड यहाँ पे वैसे तो वो सुबह सफाई करती थी उसने एक बार, बट काम वगैरह करके गई थी तो दोबारा से यहाँ पे जो है सारा सामान फैल गया है। तो बस यही मैं पीछे से साफ़ करके रख देती हूँ। वैसे तो वो मना करती रहती है कि कुछ मत करना, बस प्रमित पे ध्यान देना, बट लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ी गंदगी पड़ी रहती है। तो वही मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। जल्दी से फटाफट अपना काम फिनिश कर लेती हूँ उसके आने से पहले, नहीं वो अगर आ गई तो फिर वो मुझे कुछ। सफाई तो मैंने कर ली है कंप्लीट, पूरी सफाई अच्छे से हो गई है, बट अब देखती हूँ थोड़ा कुछ और काम रह गया हो तो शायद किचन में। हाँ ये किचन थोड़ी गंदी पड़ी है तो इसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही आपसे मिलती हूँ। थोड़ी सी तो मेरी किचन सफाई रह गई है, बट जब तक मैं देख लेती हूँ कहीं प्रमित तो नहीं जगा है। नहीं प्रमित तो अभी जगा नहीं है क्योंकि देखिए मेरे को देखना इसलिए पड़ता है, मैं उसका पता नहीं चलता, कभी भी उठ के ना उठ के सीधे चलने लगता है वो देखने के लिए कि मम्मा कहाँ है, तो इस वजह से मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ता है बीच बीच में। फ्रेंड्स यहाँ बर्तन तो मैंने साफ़ कर लिए हैं, किचन थोड़ी सी अभी रह गई है क्योंकि सोचती थी मैं कुछ बना के खा लूँ। वैसे तो बना के रख के गई थी खाना बना के गई थी एंड फ्रूट्स वगैरह रख गई थी कि खा लेना, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ और देख लेती हूँ, कुछ बना के खा लेती हूँ, तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। बाकी तो आपको पता ही है कि ऐसा कोई काम तो यहाँ पे रहता नहीं है। प्रमित भी है दोबारा सो ही रहा है अभी क्योंकि प्रमित सो रहा है तो ये ना पीछे से इसके सोने के बाद जो काम हो जाता है वही हो जाता है, जगने के बाद तो इसका कोई भी काम मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आपको तो पता ही है, आप तो इसकी एक्टिविटी देखते ही रहते हो कि ये क्या हरकत करता है। यहाँ पे ये अपने लिए चाउमीन लेके आई थी तो मैं चुपचाप से वीडियो बना रही थी कि कैसे खा रही है, तो मुझसे कह रही कि क्यों बेइज्जती करा रही हो मेरी, ऐसे मैं खा रही हूँ। मैंने सोचा तो था कि चुपचाप बना लूँ बट उसने देख ही लिया। यहाँ पे प्रमित जग गया है एंड वो खेल रहा है, पता नहीं किस किस चीज़ों से खेलता है, आप लोगों को तो पता ही है कि वो टॉयज से बिल्कुल भी नहीं खेलता है। ये हर बच्चे का ही होता है, टॉयज छोड़ के बाकी चीज़ों से खेलते हैं। एंड ये भी देखिए फिर चिल्लाएगा अगर लग जाएगी तो, वैसे तो चिल्ला चिल्ला के खेलता है ये। एंड यहाँ पर टीवी भी चल रही थी तो टीवी हम लोग देख रहे थे कि ये थोड़ा बैठ जाए क्योंकि बैठता तो है नहीं है, वरना ये इधर भाग उधर भाग, लेकिन अब भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में, वो अपने अलग अलग खेलने में लगा हुआ है। आज पता है क्या हुआ कि जब रमेश सो रहा था ना उसके बाद वो सो के उठा था, उठने के बाद ना वो बहुत शैतानी कर रहा था, बहुत ज़्यादा उदम मचा रहा था, तो ना उसने ना इतनी तेज़ तेज़ हाथ मारे मेरे कान पे कि मेरा जो इयररिंग है ये वाला ये गिर गया था। अब ये समझ नहीं आया कि गिरा कहाँ क्योंकि वो काफ़ी देर से उदम मचा रहे थे, तो ना मैंने पूरा रूम वगैरह चेक किया, काफ़ी देर तक तो मिला नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मेरा पता नहीं एक्चुअली गोल्ड का इयर रिंग था, तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं खो ना जाए, खोना तो था नहीं क्योंकि रूम में था। वैसे तो उसने एक ऐसे ना वो शैतानी करता है, कभी बाल खींचता है कभी कुछ करता है, तो ना उसकी वजह से ये वाला इयर रिंग मेरा टूट के गिर गया था और फिर मुझे काफ़ी ढूंढना पड़ा। एक्चुअली वो बेड के नीचे चला गया था, इस वजह से ना बेड के नीचे जाने की वजह से मुझे वो दिख नहीं पा रहा था, मैं परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा, बस उसकी वजह से ना इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था मेरा कि पता नहीं क्या होगा। मिलता बाद में वो जब सफाई करते अच्छे से, बट तभी मिल गया था तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया था कि मिल गया है ये, नहीं तो सच में गोल्ड खोना तो एक, क्योंकि मेरी एक रिंग पहले ही खो चुकी है, पता नहीं वो भी कहाँ पड़ी होगी,
वो ऐसे ही था, रख दी थी कहीं, अब मिल ही नहीं रही है, समझ नहीं आ रही कहाँ पे है। शायद वो भी सफाई में ही मिले, क्योंकि वो मेरे वाले रूम पे है जो हम वहाँ रहते हैं ना गुड़गांव में, तो हाँ रूम पे रखी थी, पता नहीं कहाँ रख दी है। तो रख के या तो भूल गए हैं या पता नहीं अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसलिए बड़ी टेंशन सी हो गई थी कि एक तो पहले वही खो गई है एंड ये और पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो मिल गया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एंड प्रमित खेल रहा है वॉकर में, इसे पता नहीं क्या कलर देखता है, पता नहीं क्या देखता है जो इसे अच्छा लगता है, एंड काफ़ी गौर से देख रहा है, कलर्स हैं इस वजह से शायद। प्रमित ये देखिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड ये हो रहा है, जैसे ही मैंने आवाज़ दी इतना मतलब एक्साइटेड हो गया, मतलब उल्टा उल्टा ही जा रहा है, आगे तो बढ़ नहीं रहा, पीछे पीछे भागता है, ये समझ नहीं आता है इसका। लेकिन हाँ मतलब वॉकर में बैठ के ना इसे जाने क्या खुशी मिलती है, खुशी इसलिए शायद ये खड़ा हो पाता है इसमें आराम से, इसे ना ये सहारा जैसे पकड़ पकड़ के खड़ा होना पड़ता है तो ऐसे नहीं खड़ा होना पड़ता इसमें, ये अपने आप खड़ा हो जाता है, ये आगे जाना है पीछे जाना है घूम लेता है इजीली, अगर किसी चीज़ को लेके खड़ा होता है तो बेचारा गिर जाता है, इसलिए इसे शायद अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे आप इसे देख ही सकते हैं कि कैसे देख रहा है ये, क्योंकि सिस्टर खड़ी हुई है तो वो उसे ही देख रहा था कि आवाज़ दे रही है क्या कर रही है। एंड फिर से लगा है अपने खेल करने में, इसे तो ऐसे ही खेल पसंद आते हैं, बस इससे कोई आवाज़ दे तो मुस्कुराने लग जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, रिलैक्स मिलता है हम लोगों को भी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।